इमरान सैफी मोटिवेशनल टेक्नोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं यूट्यूब चैनल पिन कोड वेरिफिकेशन, मतलब जब आप पूरी प्रक्रिया आपका चैनल मोनेटाइजेशन ओपन हो जाता है उसके बाद में आप अप्लाई करते हो अपने यूट्यूब पिन कोड के लिए। दोस्तों कितने समय में पिन कोड आता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। अगर आपका पिन कोड समय के अकॉर्डिंग ज़्यादा टाइम हो गया है और आपका जो है पिन कोड नहीं आ रहा है तो उसका प्रॉब्लम क्या है, आज मैं उसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने जो है अपना जो जब आपका पिन कोड से पहले आपको क्या करना पड़ता है, आप अपना एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ता है। आपको एक मैसेज दे यूट्यूब आपको एक मैसेज मेल करता है जिसे आप उस पर अप्लाई करते हो अपना वेरिफिकेशन एड्रेस, जो आपके एड्रेस पर वो पिन कोड भेजा जाता है। अगर आप अपने एड्रेस को वेरीफाई कर लेते हो, वेरीफाई करने के बाद में आप पैन कार्ड आधार कार्ड किसी से वेरीफाई कर लेते हो, इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल मैं बात करता हूँ कि जिन लोगों ने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है पिन कोड के लिए और उनका 2 से 4 हफ्ते हो चुके हैं, 40 दिन तक इसका वेट किया जा सकता है। 40 दिन के अंदर इसमें ये होता है कि अगर आप सिटी के अंदर हो तो आपका पिन कोड जो है जल्दी आ जाता है, अगर आप देहात वगैरह में हो तो आप जो है पिन कोड जो है आपका लेट हो जाता है। लेकिन उसके बाद भी अगर पिन कोड नहीं आता तो कहीं ना कहीं आपके एड्रेस में प्रॉब्लम होती है, तो उसको हम पिन कोड मंगाने के लिए हमें यूट्यूब तीन ऑप्शन देता है। सबसे पहले हमें ऑप्शन देता है कि आप पहले अप्लाई कीजिए, उसके बाद में फिर दोबारा आप रीसेंड कीजिए। अब आपको जब आप वेरीफाई एड्रेस कर लेते हो तो उसके बाद में आपको एक मेल होता है, जो कि मेल लिखा हुआ होता है आपका एडसन अकाउंट पे लिखा हुआ होता है एंटर योर पिन, और नीचे लिखा हुआ होता है योर फाइंड द 6-digit पिन इन द लेटर सेंड और योर पिन 6 digit का हमें ये इसमें भरना पड़ता है, जो पिन कोड आता है वो 6 digit का होता है। उसके बाद में आपको जो है आपका जो पेमेंट है वो आप उपलब्ध कर सकते हैं, आपको जो है आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। लेकिन हम इसे कितनी बार अप्लाई, अगर आपका एक बार नहीं आता है पिन कोड तो आप जाके रीसेंड कर सकते हो, और आप जाके सेटिंग में जाके ये भी देख सकते हो इसका जो एड्रेस आपने वेरीफाई किया है वो सही है या गलत है। अगर गलत है तो आप उसको दोबारा से रीसेंड एड्रेस को जो है सही तरीके से आप भर सकते हो। उसके बाद में भी अगर नहीं आता है, अगर आपका एड्रेस पिन कोड नहीं आता है तो आप तीसरी बार भी आप उसको रीसेंड आप कर सकते हो। तो 3 बार में आपका पिन कोड ज़्यादातर जो है पिन कोड आ जाता है। लेकिन जब भी किसी कारणवश अगर नहीं आता है पिन कोड तो आप यूट्यूब मेल पर भी आप वहाँ पर जाकर बोल सकते हो कि मेरा पिन कोड नहीं आ रहा है किसी कारणवश, तो जो भी प्रॉब्लम होगी आपके अकाउंट के साथ में वो आपका संशोधन जो है हो जाएगा और आपको जो पिन कोड है वो भी आपका मिल जाएगा। तो दोस्तों 3 बार आपको ऑप्शन दिया जाता है, 3 बार मौका दिया जाता है आपको पिन कोड लाने के लिए। तो आपका पहला जो पहला पिन कोड के लिए आप अप्लाई करते हो उसमें 40 दिन आपको मिलते हैं, अगर 40 दिन आपके पूरे हो गए हों तो उसके बाद में भी आप जाके जो है आप उसके बाद में दूसरा भी रीसेंड आप कर सकते हो, उसके बाद भी आपको 40 ही दिन आपको मिलेंगे। उसके बाद में तीसरा भी रीसेंड आप कर सकते हो, उसमें भी आपको 40 दिन ही आपको मिलेगी। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपना पिन कोड अगर नहीं आ पा रहा है तो आप इस तरह से ये सेटिंग कर आप पिन कोड अपना मंगा सकते हैं। तो ये है रीसेंड यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप जो है पिन कोड आप मंगा सकते हो। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आई हो तो आप नीचे कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं, या आपकी कोई भी प्रॉब्लम है YouTube चैनल से रिलेटेड तो आप नीचे भी हमें बोल सकते हो। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।